हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसकी फाइव प्रॉपर्टीज लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म का सिक्स्थ प्रॉपर्टी स्टडी करना है। तो देखिए, जो प्रॉपर्टी आज हमें स्टडी करना है उसका स्टेटमेंट हमने यहां लिख के रख दिया है। प्रॉपर्टी का नाम है लैपलास ऑफ यूनिक स्टेप फंक्शन, और इसका स्टेटमेंट क्या है देखिए, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ बार ऑफ एस, ये तो स्टैंडर्ड रिलेशन है जो कि लैपलास का डेफिनेशन है, देन प्रूफ दैट लैपलास ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ एस। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करना है और ये उसका स्टेटमेंट है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे, और ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम लैपलास का डेफिनेशन यूज करेंगे। लैपलास का डेफिनेशन काफी सिंपल है, हमने इसके पहले के नंबर ऑफ वीडियोस में बताए थे। लैपलास मीन्स थ्री थिंग्स, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, फैक्टर। तो देखिए लैपलास का डेफिनेशन हम यहां पर लिख लेते हैं। इसके पहले अगर आपने लैपलास का डेफिनेशन नहीं स्टडी किए हैं तो यहां से आपको पता चल जाएगा। देखिए लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी दैट इज थ्री थिंग्स, इंटीग्रल, देन एक्सपोनेंशियल, देन फैक्टर इनटू डीटी। ये है लैपलास का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन का यूज करके हम ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने वाले हैं। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, लेफ्ट साइड में आपको कर्ली ब्रैकेट में एफ ऑफ टी दिख रहा है, तो बाहर एफ ऑफ टी है तो अंदर भी वही एफ ऑफ टी है, ठीक है। तो यहां पे आपको वही करना है। देखिए लैपलास ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए लैपलास ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये है पूरा का पूरा एफ ऑफ टी। देखिए यहां लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी बाहर है तो वही एफ ऑफ टी अंदर आता है इंटीग्रल के अंदर, तो यहां भी हमें वही करना है। ये देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एफ ऑफ टी है, इसी को हम इंटीग्रल के अंदर में लेंगे। तो चलो सबसे पहले ये पूरे स्टेटमेंट का एलएचएस हम ये ले लेंगे। एलएचएस है, ये आरएचएस है, तो एलएचएस को हम लेंगे और आरएचएस के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे, दैट इज लैपलास ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए, एफ ऑफ दैट इज टी माइनस ए, ये लैपलास का हमने ये स्टेटमेंट का एलएचएस हमने ले लिए, और अब हमें यहां पे ये डेफिनेशन अप्लाई करना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लैपलास अगर आपको इसका करना है तो लैपलास मीन्स थ्री थिंग्स, सबसे पहले इंटीग्रल, देन एक्सपोनेंशियल ये हमने लिखे, और फैक्टर। फैक्टर क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ये पूरा का पूरा फैक्टर है। तो हम लिखेंगे दैट इज यू ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, ये हमने लिख दिए इंटू डी टी, ठीक है। यहां जो हमने एक्सपांशन किए हैं बिल्कुल ऐसा ही एक्सपांशन हमने यहां किया है, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, फैक्टर इंटू डी टी। तो ये देखिए इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, ये फैक्टर इंटू डी टी, ठीक है। और अब यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यू ऑफ टी माइनस ए है, ये यू ऑफ टी माइनस ए को यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो एफ ऑफ टी माइनस ए है इसको कहते हैं साइड फंक्शन, ये यूनिट स्टेप फंक्शन, तो ये साइड फंक्शन। और ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है इसको हेवी साइड फंक्शन भी कहते हैं, और इसका एक डेफिनेशन भी है। यूनिट स्टेप फंक्शन बोलो या हेवी साइड फंक्शन बोलो, उसका डेफिनेशन ऐसा है, दैट इज यू ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू, देखिए यहां पे यू ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू जीरो होता है इफ टी इज लेस देन ए, और यू ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू वन होता है इफ टी इज ग्रेटर देन ए। ये उसका डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये प्रॉपर्टी जो है प्रूफ करने वाले हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। तो चलो ये यूनिट स्टेप फंक्शन का डेफिनेशन आपके सामने है, इसी का यूज करके हम ये प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। कैसे देखते हैं, यहां पे जो इंटीग्रल है देखिए वो जीरो टू इंफिनिटी है। अगर ये जीरो टू इंफिनिटी है तो हम एक काम करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे मतलब क्या, हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे जीरो टू ए, देन हम लेंगे ए टू इंफिनिटी। हम इस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे, किसको, इंटीग्रल को। अगर आप इंटीग्रल को ये हिसाब से स्प्लिट करेंगे तो इसकी हम दो टर्म्स बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेंगी, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे दैट इज इंटीग्रल जीरो टू ए, पहला लिमिट रहेगा फ्रॉम जीरो टू ए। तो ये देखिए हमने लिखा है फ्रॉम जीरो टू ए, और ये पूरी अंदर की टर्म जो है वो एज इट इज लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी। ये देखिए ये हमने एज इट इज लिखा, और अब सेकंड इंटीग्रल लिखो प्लस इंटीग्रल दैट इज ए टू इंफिनिटी। देखिए पहला जो इंटीग्रल है उसमें लिमिट जीरो टू ए है, ये हमने लिख दिया, और अब सेकंड इंटीग्रल में लिमिट जो है वो ए टू इंफिनिटी है जैसा हमने यहां मेंशन किया, और ये जो अंदर की टर्म्स है ये एज इट इज लिखेंगे, ए टू द पावर माइनस एस टी यू ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए
इंटू डी टी। तो हमने मेन इंटीग्रल जो जीरो टू इंफिनिटी था उसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, पहला फ्रॉम जीरो टू ए और दूसरा फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। इट मींस हम इनडायरेक्टली जीरो से लेके इंफिनिटी तक जा रहे हैं। और अब ये करने का फायदा क्या हुआ, ये करने का फायदा ये हुआ कि अब हम यहां पे यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू लिख सकते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन का हमने डेफिनेशन बताया है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये डेफिनेशन में यू ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू जीरो होता है व्हेन टी इज लेस देन ए। ये जो लिमिट है, लिमिट की तरफ आप ध्यान दो। अगर आप लिमिट की तरफ ध्यान देंगे तो यहां लिखा है टी लेस देन ए। टी लेस देन ए का मतलब क्या है, टी लेस देन ए मतलब होता है, देखिए यहां लिखा है टी लेस देन ए, इसके लेफ्ट साइड में इसका मतलब जीरो है। तो ये लिमिट पूरा ऐसा होता है, देखिए ये लिमिट पूरा ऐसा है, जीरो लेस देन टी लेस देन ए, देखिए ये है ना टी लेस देन ए, इसका मतलब ये जीरो लेस देन टी लेस देन ए ऐसा है। तो ये जो कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो लिखा है टी लेस देन ए, इसका मीनिंग हमने आपको बता दिए, जीरो लेस देन टी लेस देन ए इसका मीनिंग ये होता है। तो इस हिसाब से ये कंडीशन के लिए u ऑफ t माइनस ए का वैल्यू क्या है, जीरो है। देखिए ये कंडीशन पे इसका वैल्यू जीरो है और ये कंडीशन में इसका वैल्यू जीरो हम यहां पे पुट करेंगे। वो क्यों, वो इसीलिए क्योंकि देखो हम जीरो से लेके ए तक जाएंगे, देखिए जीरो से लेके ए तक जा रहे हैं। तो जब आप जीरो से ए तक जा रहे हैं तो यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू जीरो है। तो यहां पे जीरो से लेके ए तक जाएंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू हम जीरो लिखेंगे, तो हम यहां लिख देंगे जीरो। देखिए जीरो टू ए, ये कंडीशन पे यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू हमें जीरो लिखना है, तो इसलिए हम यहां पे जीरो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन या फिर बोलो हेवी साइड फंक्शन। इसका वैल्यू जीरो, तो यहां पे इसका वैल्यू हम वन लिख देंगे। इसका वैल्यू वन क्यों आएगा, देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू वन है लेकिन कंडीशन ये है। अब यहां पे ये जो कंडीशन है वो इससे मैच नहीं करती, ऐसा नहीं है, ये कंडीशन इससे बिल्कुल मैच करती है। कैसे, चलो हम इसको भी एक्सप्लेन करके दे देते हैं। यहां पे कंडीशन क्या लिखा है, टी ग्रेटर देन ए। टी ग्रेटर देन ए का मतलब यहां होता है ए लेस देन टी लेस देन इंफिनिटी, ये ऐसा होता है। देखिए ये कंडीशन भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंडीशन समझ में नहीं आती और फिर उनको दिक्कत होती है। तो यहां पे देखिए टी ग्रेटर देन ए है, इसको उल्टा लिखो, अगर आप इसको उल्टा लिखेंगे तो ये हो गया ए लेस देन टी, ठीक है। और अगर ये a लेस देन t है तो ये लेस देन इंफिनिटी होगा। तो यहां पे आप a से लेके इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो देखिए a से लेके जब आप इंफिनिटी तक जाएंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 1 लिखना है, क्योंकि देखो ये कंडीशन पे यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 1 है, इसलिए हम इसके जगह 1 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, यूनिट स्टेप फंक्शन के डेफिनेशन का यूज करके हमें यहां पर सॉल्व करना है। तो जब 0 टू a है तब आपको यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 0 लिखना है, इसलिए हमने यहां पे 0 टू a में यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 0 लिखे। और जब a से इंफिनिटी है तब यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 1 है, इसलिए हमने a टू इंफिनिटी की कंडीशन में यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 1 लिखे। और अब इसका यूज करके अगर हम यहां थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 0 हो गया, मतलब ये पूरा इंटीग्रल 0 हो गया। ये पूरे इंटीग्रल को छोड़ दो, बस ये इंटीग्रल को ले लो, इसके जगह बस 1 लिखो, बाकी पूरी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो ये हो जाएगा दैट इज फ्रॉम a टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज रहेगा। ये u ऑफ t माइनस ए 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ो, बचेगा क्या, बचेगा f ऑफ t माइनस ए इंटू डी टी। तो ये देखिए ये हमने ऐसा लिख दिए, ये इंटीग्रल आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, f ऑफ t माइनस ए आ गया और dt आ गया, u ऑफ t माइनस ए 1 हो गया, तो उसको हमने छोड़ दिए। और अब ये जो बचा है इसी का यूज करके हमें प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना है, एक बार ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी में हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिए, राइट हैंड साइड के लिए हमें प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड में है e टू द पावर माइनस एस एफ बार ऑफ एस, चलो देखते हैं इसका यूज करके ये राइट हैंड साइड कैसे आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पे कुछ पुट करेंगे, ये जो t माइनस ए है इसके जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लो जो आपका मन करे। तो हम एक काम करेंगे, ये t माइनस ए के जगह हम यहां ले लेते हैं u ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पुट कर देंगे, पुट t माइनस ए इक्वल्स टू u, हमने इसको t माइनस ए के जगह u ले लेंगे। और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन dt, a का डिफरेंशिएशन 0 और u का डिफरेंशिएशन यहां पे du। तो ये रिप्लेसमेंट आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए हमने dt की जगह हमें u लिखना है, t माइनस a की जगह हमें u लिखना है। और अगर यहां से आपको t का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहां पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां पे t का वैल्यू हो जाएगा, हम यहां लिखेंगे t का वैल्यू हो जाएगा दैट इज a प्लस u, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो माइनस a है उसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया a प्लस u t का वैल्यू, क्योंकि हमें ये वहां पे e टू द पावर माइनस st है, तो यहां पे t के जगह हमें t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा इस तरह से।
तो फाइनली यहां पे हमने रिप्लेसमेंट करना है, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे यू आएगा, लेकिन अब ये लिमिट हमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो लिमिट है ये टी का लिमिट है, हमें यहां पे यू का लिमिट क्रिएट करना पड़ेगा। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो चलो ये लोअर और अपर लिमिट हम लेंगे। तो देखो जब टी का लोअर लिमिट ए है तो चलो देखते हैं यू का लोअर लिमिट क्या होगा, और जब टी का अपर लिमिट इंफिनिटी है तो देखते हैं यू का अपर लिमिट क्या होगा। हमें लिमिट यहां पे चेक करना पड़ेगा, तो चलो हम लिमिट यहां पे चेक कर रहे हैं। तो देखो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, माने ये टी का वैल्यू ए जो है वो आप ये इक्वेशन में पुट करो। ये जो इक्वेशन है यहां पे टी का वैल्यू ए पुट करो, अगर आप यहां पे टी का वैल्यू ए पुट करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए ये क्या हो जाएगा जीरो, तो यू का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, तो मतलब यू का लिमिट यहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब टी का अपर लिमिट इन्फिनिटी है मतलब टी का वैल्यू इन्फिनिटी है, अगर आप यहां पे टी के जगह इन्फिनिटी लिखते हैं तो इज इक्वल टू के यहां पे लेफ्ट साइड में पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब यू का यहां पे लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो हमने यहां पे लिमिट यहां पे चेंज कर दिए, ये था टी का लिमिट और ये है यू का लिमिट, यू का यहां पे लोअर लिमिट है जीरो और यू का अपर लिमिट है इन्फिनिटी, ये फाइनल हो गया। तो फाइनली ये सब कुछ रिप्लेसमेंट अब हमें ये इक्वेशन में करना है। चलो देखते हैं ये इक्वेशन में रिप्लेसमेंट करने के बाद इक्वेशन क्या बनता है। तो इंटीग्रल, अब देखिए इंटीग्रल में हमें लिमिट किसका रखना है, लिमिट हमें यू का रखना है। ये जो लिमिट है ये टी का लिमिट है, हमें इसको यूज नहीं करना है, हमें यू का लिमिट यूज करना है। देखो जीरो और इन्फिनिटी, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, तो हम लिखेंगे ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हमने लिमिट यहां पे यू का लिख दिया है। और अब यहां पे e टू द पावर माइनस एस टी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी का वैल्यू आपको a प्लस यू ऐसा लिखना है, क्योंकि हमने कहा था कि जहां जहां पे t है वहां वहां पे u आएगा, तो यहां पे t है तो t के जगह जो है ये u के फॉर्म में आ गया, क्योंकि t का वैल्यू a प्लस यू होता है। और अब यहां पे f ऑफ t माइनस ए है, तो ये f ऑफ t माइनस ए के जगह f ऑफ u हो जाएगा और dt के जगह du हो जाएगा, क्योंकि यहां पे t माइनस ए माने u होता है, तो f ऑफ u, और ये dt के जगह हमने यहां पे du लिख दिए क्योंकि dt माने du होता है। तो पूरा रिप्लेसमेंट हमने यहां कर लिए है, और अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना काफी आसान है, देखो क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, यहां पे माइनस एस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस माइनस ए एस, ऐसा कर दो ई टू द पावर माइनस ए एस प्लस प्लस नहीं यहां पे माइनस दैट इज माइनस दैट इज एस यू, ठीक है ऐसा हम यहां पे करेंगे ओके। और इंटू एफ ऑफ यू, और अब यहां पे एक्सपोनेंशियल को अलग अलग कर लो, तो ये होगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू ई टू द पावर माइनस एस यू इंटू एफ ऑफ यू इंटू डी यू। ये हमने एक्सपोनेंशियल के दो टर्म क्यों बनाए, क्योंकि यहां पे देखो ए टू द पावर माइनस ए एस ये अलग टर्म है, तो इसलिए हमने इसको अलग बना लिए। अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू यू है, तो ऐसे में ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको आप बाहर ले लो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर लेंगे तो ए टू द पावर माइनस ए एस ये बाहर आ गया, और अंदर में क्या बचा, ये बचा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस एस यू इंटू एफ ऑफ यू इंटू डी यू, ऐसा बचेगा एफ ऑफ यू इंटू डी यू, हमने इसको ऐसा लिख दिए, ठीक है। e टू द पावर माइनस ए एस को हमने बाहर ले लिए, और जो भी टर्म बचे हैं वो हमने एज इट इज लिख दिए। और अब यहां पे हम लैपलास का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस ए एस, और ये हो जाएगा लैपलास ऑफ f ऑफ u, ये हो गया लैपलास ऑफ f ऑफ u। यहां पे हमने लैपलास का डेफिनेशन लगा दिए, क्योंकि हमने लैपलास का डेफिनेशन आपको बताए थे कि लैपलास मीन्स थ्री थिंग्स दैट इज इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखो हम लैपलास का डेफिनेशन यहां पे हम फिर से लिख के बता देते हैं कि हमने लैपलास का डेफिनेशन क्या बताए थे, ये देखिए इससे फिर आप कंपैरिजन करो तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये देखिए ये हमने लैपलास का डेफिनेशन ऐसा बताए थे, ये देखिए ये लैपलास का डेफिनेशन दैट इज इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यहां पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी है, तो यहां पे इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो फैक्टर बाहर है वही फैक्टर अंदर है, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया ये वही है। तो यहां पे देखो इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंटू डी टी, ऐसा अगर है तो आप लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी लिखते हैं, तो यहां पे भी वही है, ये देखिए यहां पे भी देखिए इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर और यहां पे डी यू, और ये पूरा हम लैपलास के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। देखो ये जो है पूरा यू के फॉर्म में है, ये पूरा टी के फॉर्म में है, अगर ये टी के फॉर्म में है तो यहां लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी आया, तो अगर ये यू के फॉर्म में है तो ये लैपलास ऑफ एफ ऑफ यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना होने के बाद यही दैट इज e टू द पावर माइनस ए एस लैपलास ऑफ एफ ऑफ यू के जगह एफ बार ऑफ एस लिख सकते हैं हम, ये भी लैपलास का डेफिनेशन है। देखिए यहां पे लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माने एफ बार ऑफ एस होता है, ठीक है, ये गिवन कंडीशन में ही दिया है, स्टैंडर्ड जो स्टेटमेंट हमने दिए थे स्टार्टिंग में, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माने एफ बार ऑफ एस होता है, तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ यू भी एफ बार ऑफ एस होता है,
तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो हम यहां लिखेंगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, और इसमें भी हम लिख देंगे दैट इज बाय डेफिनेशन, क्योंकि लैपलास के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माने एफ बार ऑफ एस होता है, तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ यू ये भी एफ बार ऑफ एस होता है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ऐसा वहां मेंशन कर दिए। और यही आरएचएस है, देखिए यही आरएचएस है, जो भी स्टेटमेंट में आरएचएस है, ये देखिए ये जो लैपलास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन का जो स्टेटमेंट था उसमें ये जो आरएचएस था यही आरएचएस यहां पर आ चुका है, हेंस प्रूफ यहां पर हम लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ, तो प्रॉपर्टी यहां पे प्रूफ हो गई। तो ये थी लैपलास की प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी का नाम था लैपलास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, इसके पहले ऑलरेडी हमने 5 प्रॉपर्टीज लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में इसके कुछ और जो प्रॉपर्टीज बची है वो भी हम कवर करेंगे और प्रॉब्लम्स भी हम कवर करेंगे। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।